तो गाइस आजकल माइनक्राफ्ट इंडिया में कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो चुका है और आप में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि जिस वर्जन को आप लोग प्ले करते हो वही गेम माइनक्राफ्ट का बेस्ट वर्जन है। और आपको पता होगा कि यूनिवर्स एक नहीं है बल्कि बहुत सारी मल्टीवर्स है, तो उसी तरह से हमारा माइनक्राफ्ट भी सिंगल कैसे हो सकता है। हमारे माइनक्राफ्ट के भी बहुत सारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर रिलेटिव्स है। अच्छा, तो आज मैं माइनक्राफ्ट से भी बेटर गेम्स को आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना ना करना तुम्हारी मर्जी, लेकिन प्लीज भाई यार इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 माइनक्राफ्ट गेम के बेस्ट वर्जन, जिन्हें आप लोग अपने फोन में डाउनलोड करके प्ले कर सकते हो। अभी मजा आएगा ना वीडियो। और मैं जो भी गेम्स आपको बताऊंगा उन्हें डाउनलोड करने के लिए आपको करोड़ों लाइट ईयर्स दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और जो इस लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे गेम होने वाला है उस गेम को देखकर आपको जरूर से प्राउड होगा और अच्छा लगेगा। तो अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारे 5th नंबर के गेम का नाम होने वाला है माइनक्राफ्ट एजुकेशन एडिशन। तो आप लोगों को पता होगा कि माइनक्राफ्ट एक ऐसा गेम है जो यंग प्लेयर्स और स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है, और इसे देख के मोजैंग ने दिमाग लगाया और एक माइनक्राफ्ट का एजुकेशन एडिशन ही बना दिया। और इस वर्जन को स्कूलों में भी यूज किया जा सकता है और कुछ बाहर की कंट्रीज में तो इस माइनक्राफ्ट के वर्जन को एक अलग से सब्जेक्ट ही बना दिया है। और इस वर्जन में टीचर्स के लिए एक अलग से डेडिकेटेड मॉडल होता है जो कि बच्चों पर नजर रखता है कि ये सही में काम कर रहे या फिर नहीं, और इसमें बच्चों की प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करने के लिए फीचर्स भी है। वैसे कितना अच्छा होगा कि आप लोग स्कूल जाओ और आपको माइनक्राफ्ट खेलने को मिले और एग्जाम भी माइनक्राफ्ट का ही देना पड़े। आप लोग ऐसे स्कूल में जाना चाहते हो या नहीं कमेंट जरूर करना। और ऐसा भी नहीं है कि माइनक्राफ्ट को बस ऐसे ही फोकट में खेलने को दे रहे हैं। माइनक्राफ्ट से देखा गया है कि लोगों की क्रिएटिविटी बेटर होती है और अपनी इमेजिनेशन को रियल लाइफ में ला सकते हैं। तो आप लोगों का मन करे तो इस गेम को डाउनलोड कर लेना। हमारे 4th नंबर के गेम का नाम होने वाला है माइनक्राफ्ट चाइना। ये गेम स्पेशली चाइना के लिए लॉन्च हुआ था और ये मोड जावा एडिशन पे बेस्ड होके बनाया गया था। और इस गेम की खास बात ये है कि इस गेम को फ्री टू प्ले रखा गया था, मतलब माइनक्राफ्ट चाइना को कोई भी डाउनलोड करके फ्री में प्ले कर सकता है। और ये चाइना का माल फ्री में होने के कारण इसके 400 मिलियन डाउनलोड हो गए थे। उससे मेरा क्या फायदा, मेरे पता नहीं 1 मिलियन सब्सक्राइब कब होंगे। तुम लोग करो ना गाइस। तो अगर आप लोग चाहो तो इस मेड इन चाइना माइनक्राफ्ट को डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हमारे 3rd नंबर के गेम का नाम होने वाला है माइनक्राफ्ट डंजन्स। तो ये गेम माइनक्राफ्ट का एक पहला ऐसा गेम था जिसने माइनक्राफ्ट को बिल्कुल ही बदल के रख दिया। इस गेम में आप लोग एक्शन एडवेंचर और RPGs के वर्ल्ड में चले जाते हो और आपके मेन कैरेक्टर को विलेजर्स की आर्मी के साथ लड़ना पड़ता है। इस गेम के मैकेनिक्स थोड़े से चेंज हो गए हैं। आपके पास माइनक्राफ्ट स्टाइल वेपन्स तो है, लेकिन आपको उन वेपन्स की मदद से ज्यादातर फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन जो भी हो, इस गेम में आपको एक्शन और एडवेंचर तो बहुत ही तगड़ा देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग चाहो तो इस गेम को डाउनलोड कर लेना। तो अब हमारे 2nd नंबर के गेम का नाम होने वाला है माइनक्राफ्ट अर्थ। और इस गेम में आप लोग रियल वर्ल्ड में जाके अपने माइनक्राफ्ट के क्रिएशंस को बना सकते हो। अगर आप लोगों ने पोकेमॉन गो खेला होगा तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये गेम आखिर रियल लाइफ में कैसे चलने वाला है। और इस गेम को डाउनलोड करके अपने फोन के कैमरा में आपको सभी माइनक्राफ्ट के मॉब्स और एनिमल्स भी देखने को मिल जाएंगे। और इस गेम में आपको सभी ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप लोग 3D स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हो। तो अगर आप लोग माइनक्राफ्ट में कुछ यूनिक ट्राई करना चाहते हैं तो इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हमारे 1st नंबर के बेस्ट गेम का नाम होने वाला है माइनक्राफ्ट इंडिया। और इस गेम में वो सब कुछ है जो इंडिया में होता है। इस गेम में आपको इंडिया के स्ट्रीट फूड देखने को मिल जाएंगे, जैसे छोले भटूरे और समोसे, और विलेजर्स आप लोगों से हिंदी में बात करेंगे। 25 दिन में पैसा माँ मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश हूँ। और इसमें आपको भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियां भी देखने को मिल जाएंगी। जो लोग सब्सक्राइब ना करें उन्हें बवासीर होने का श्राप दे दो भगवान। और इस गेम में आप लोगों को बहुत सारी बाइक्स और काफी सारे इंडियन व्हीकल्स देखने को मिल जाएंगे। और इस माइनक्राफ्ट के नॉर्मल विलेज को इंडियन विलेज बनाने के लिए इसमें आपको एक ही चीज सुनाई देगी। और मुझे पता है एक सच्चे इंडियन को ये बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप लोग भी एक जिम्मेदार और सच्चे भारतवासी हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और इस गेम में आपको इंडियन करेंसी भी देखने को मिल जाएगी, और इस गेम में पैसों से भी ज्यादा जरूरी आपको इंडिया के वीर सोल्जर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि भारत किसान तिरंगा झंडा को लहरा रहे होंगे। तो यही थे वो गेम जो मुझे आपको बताने थे। आपको कौन सा गेम बेस्ट लगा और वीडियो कैसी लगी कॉमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।